एक्सक्यूज मी, ये आपका फोन। थैंक यू। तुम्हारा फोन इसके पास क्या कर रहा था? डैड ने कहा था इसने कोई इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, इसलिए। कर ली तुमने कॉल? अली बेबी चली चले, क्या हुआ है? बड़ी बेगम साहब की तबीयत खराब हो रही है। सुनो, हेलो, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? पप्पो जान के पास तबीयत। तुम्हारी पप्पो नहीं है, तुम यहाँ पर थोड़े दिनों की मेहमान हो, तो ये रिश्ते बनाने छोड़ दो, समझी? ना कोई पप्पो, ना कोई मामू और ना कुछ और। कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, समझ गई? रमशा बीबी, शुक्र है कि तुम आई हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें कितनी दफा कहा है ना, काम खत्म हो जाया करें तो आ जाया करो। तुम मुझसे बातें करती हो ना तो मेरा दिल बहल जाता है। वो तो सब छोड़ें, आप मुंह मीठा करें। अच्छा, किस बात की खुशी है भाई, मुझसे अपनी खुशी शेयर नहीं करोगी? ये मिठाई बड़े साहब ने आपको भेजी है। अच्छा, छोटे साहब और अलीजे बीबी की शादी तय हो गई है, इसी महीने दोनों की शादी है। तुम चलो, मैं आती हूँ। मामा, डॉक्टर के पास चल लें ना, आपका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था, अगर आपकी मजीद तबीयत खराब हो गई तो। नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं है मेरी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे भी अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग भी तो करनी है ना मैंने। अच्छा, मैं डॉक्टर को घर कॉल करके बुला लेती हूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, अरे डॉक्टर को घर बुलाने की क्या जरूरत है भाई, पप्पो का ब्लड प्रेशर अभी चेक किया था मैंने, बिल्कुल नॉर्मल आया। लेकिन डॉक्टर ये कह रहा था जब मेरी उससे फोन पे बात हुई थी कि पप्पो को रेस्ट की जरूरत है और स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना पप्पो को। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, इनके लिए फ्रेश जूस बना के ले आओ, है ना, थोड़ा वीक फील कर रही होंगी। हाँ हाँ, जूस पी लूंगी बेटा। सही है, फौरन फौरन जल्दी, और तसल्ली से बनाना अच्छा सा। हाँ, ओहो क्या बात है यार, कितनी जबरदस्त एक्टिंग की है आपने भाई, आज आपने मुझे इंप्रेस कर। मान गए हो ना अपनी पप्पो को? मान गया हूं? अरे मैं तो ऑस्कर्स वालों को कॉल करने लगा हूं कि मेरी पप्पो को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दें। आप इतनी अच्छी एक्टिंग ना करती ना तो अलीजे शादी के लिए कभी भी ना मानती। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बीमारी की वजह से अलीजे इतनी इमोशनल हो जाएगी तो ये ड्रामा मैं पहले ही कर लेती। आहिस्ता बात करें, बहुत तेज है, हो सकता है हमारी बात सुन ले, और सुन लिया तो आग बगोला हो जाएगी। लेकिन आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू अफनान। क्या करते हो तुम लोग? अरे यार तुमने मिस किया, पता है मैं तुमसे इसीलिए कह रहा था कि तुम साथ चल पड़ो। यार वाकई में मैं तुम लोगों के साथ ही चलती, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना था, इसलिए मैं नहीं जा सकती थी। जी जनाब, आप और आपका ऑफिस। खैर मैं जा रहा हूँ, डैड आए तो उन्हें बता देना कि थोड़ी देर हो जाएगी आने में। चलो ओके।
कांग्रेचुलेशंस एलिज़े। अभी मिठाई खाई तो पता चला कि तुम्हारी और अफनान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ, वो इस मंथ के एंड की डेट फिक्स हुई है। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज है। वैसे कजिन मैरिज का भी कितना अच्छा है ना। एक दूसरे की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ जानते हुए भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो है। अब देखो ना, अफनान और मैं एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब पता है मुझे। वाकई में सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में। क्या मतलब अलीज़े? हाँ? वो मैं क्या कह रहा था कि तुम सवेरा की तरफ जाना चाह रही थी ना, तो उसका घर तो रास्ते में ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, ऐसे ही बिना वजह अलग से जाने का क्या फायदा। चलो। पता है, वो मैं भी चाह रहा था कि सवेरा के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू ऐसे हो जाए। बस कुछ बिजी था। तुम सुनाओ, सब ठीक है? ठीक हूँ मैं। मुझे लगता है आपके पास ना मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मसरूफियात हैं, ऑफिस में आजकल काम बहुत ज्यादा है। हाँ तो अगर आप ऑफिस में मुझसे बात नहीं कर सकते तो क्या हो गया, आप मुझसे घर जाके बात कर लिया करें ना। जब घर पे होते तब कॉल कर लिया करें। घर में होता हूँ तो सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। मुझे घर वालों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी करना चाहते। तुम्हारी शादी? हैं। लेकिन क्यों इतनी जल्दी क्या है उन्हें? तुमको समझाओ, उनसे कहो कि तुम अपनी एजुकेशन रिज्यूम करना चाहती हो, इसलिए अभी तुम शादी नहीं कर सकती हो। ये तो समझा समझा के भी थक गई हूँ, वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा रिलैक्स, इतनी जल्दी इतना स्ट्रेस मत लिया करो। तुम उनसे कहो कि तुम आज के दौर की लड़की बनना चाहती हो, एक ऐसी लड़की जो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, वेल एजुकेटेड हो, अपने कदमों पर खुद खड़ी हो सकती हो। आई एम श्योर वो मान जाएगी। वैसे अगर आप आज मुझसे मिलने नहीं आते ना तो मैंने आपसे नाराज हो जाना था बिल्कुल। अच्छा करती, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूं कि बस अब तुमसे बात करना छोड़ दो। क्यों भाई, क्या आप क्या सोच रहे हैं, बोले। सोच रहा हूं कि अगर मैं तुमसे मिलने ना आता तो क्या वाकई तुम मुझसे बात करना बंद कर देती? हाँ बिल्कुल बंद कर देती बात करना। ना आप मुझसे मिलते ना बात करते तो फिर मैं क्यों आपसे बात करूं। और वैसे भी इतने दिन हो चुके, अब तो आपको मुझे अच्छे से जान लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन you'll be surprised to hear कि ना सिर्फ मैं तुम्हें जान गया हूं बल्कि बहुत अच्छे से पहचान भी गया हूं। डैड, आप मेरी बात पे एतबार करें, ये लड़की उस हॉस्टल में बिल्कुल सेफ होगी। उस हॉस्टल का जो मैनेजर है वो मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है, या यूं कह लें कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।
मेरी उससे बात हो गई है, वो कह रहा है इस लड़की का खाना पीना सोना जागना सबकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। अफदान, मैं इस लड़की के सिलसिले में किसी गैर पे भरोसा नहीं कर सकता। डैड, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप इस लड़की से लातालुकी इख्तियार कर लें या इसकी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हॉस्टल में ये एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेगी। और वैसे भी डैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाहर हर जगह जिन लोगों को इस लड़की का पता चल रहा है वो बातें बना रहे हैं हमारे बारे में। वो कह रहे हैं कि एक जवान लड़की इस घर में क्या कर रही है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, क्या? जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ डैड? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मनाज बहन को होश आ गया, अल्लाह ने हमारी सुन ली, अपना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन ली हमारी। रमशा, रमशा बेटा, रमशा, अम्मी, रमशा बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं नाजमेन, आप रमशा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बेटी की तरह है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएं, आप खुद ख्याल रखेंगे उसका। देखिएगा तबीयत ठीक हो जाएंगे। आप लोग से कहा था पेशेंट से बात मत करें, प्लीज आप लोग बाहर जाएं। वो देख रहे हैं बेटा, आप जल्दी आए, डॉक्टर को बुला। डैड ने जो फोन कहा था वो मैं ले आया। सिम इसमें डाल दिए और हर किस्म के फोन को अच्छे से इस्तेमाल करना तो तुम्हें आता ही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हमारी वालदा के होश में आ जाने की जितनी खुशी तुम्हें हो रही है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस घर से चली जाओगी। तुम्हारी चाल नाकाम हो जाएगी। मिस्टर अफनान, समझते क्या है आप खुद को? हाँ, अगर मैंने अपने और आपके बारे में आपके वालिद साहब को बता दिया ना, तो वो आपसे वजाहत नहीं मांगेंगे। बल्कि आपकी पूरी फैमिली को भी अगर बता दी तो कोई भी आपसे वजाहत नहीं मांगेगा, सब आपको मुजरिम ठहराएंगे। क्या बताओगे तुम्हारा? धमका रही हो मुझे? तुम्हारे पास बताने के लिए है ही क्या? ये कि मैंने तुमसे दोस्ती की थी,
शादी का कोई वादा नहीं किया था। चाहे तुम एक बात भूल रही हो रक्षा, तुम्हारी दोस्ती में तुम्हारा नाजायज फायदा उठा सकता था। कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो इनफैक्ट तुम्हारी मदद की, जगह जगह तुम्हें मुसीबतों से मुश्किलों से बचाया, तुम पर एहसान किया। और तुम ये बताओगी सबको? मैंने कहा था कि मुझसे दोस्ती करें, नहीं ना? अलीजे में इंटरेस्टेड थे ना आप, तो उससे मोहब्बत करते थे। तो फिर मेरी तरफ क्यों कदम बढ़ाया, मुझसे क्यों मोहब्बत की? अरे आप जैसे मर्दों को ना बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूं। ये जो शराफत का लिबास है, उसके दोस्ती के नाम की बैसाखी था। अंकल शट अप, जस्ट शट अप। क्यों, सच नहीं सुना जा रहा? अगर इतने ही शरीफ थे तो खुद को अलीजे के नाम पे रखते ना। तू क्यों मेरी तरफ बढ़े, क्यों की मुझसे मोहब्बत? नहीं है ना कोई जवाब? जवाब कभी होगा भी नहीं। रीच का कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई है। सब कुछ किसका हुआ? तुम्हारे सलमान का। गाड़ी चलाते वक्त सोच लिया करो कि जमीन पर इंसान भी चलते हैं। अम्मी मुझे तो लगता है कि अमीर आदमी को यकीन है कि गरीब को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। यू आर फायर। किसी और का गुस्सा तुम किसी और पे निकाल रहे। एक अजनबी लड़की की खातिर। अजनबी नहीं है वो। तो फिर कौन थी? अफलान चाय पियो। चाय ठंडी हो रही है अफलान। अफलान कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारी फूफा कुछ कह रही है तुमसे? आप, I'm really sorry पप्पू। क्या कह रही थी आप? चाय ठंडी हो रही है, पी लो। तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, वो डैड, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आजकल जिस पर काम चल रहा है ना, उसी के बारे में सोच रहा था, तो इस वजह से चाय पीने का तो बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। भाईजान, आपने रमशा के बारे में फिर क्या सोचा? अब तो माशाल्लाह से उसकी अम्मी भी कोमे से बाहर आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तबीयत मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई उनकी। इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, जल्द सेहतियाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। भाईजान, मैं कह रही थी कि माशाल्लाह से इस घर में एक अरसे के बाद शादी की तकरीब आ रही है। कुछ अरसे में मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। फिर मैं और अलीजे शॉपिंग में बहुत बिजी हो जाएंगे। फिर ऐसे में रमशा को इस घर में अकेले छोड़ना कुछ मुनासिब नहीं है। ठीक कह रही हो अफशीन,
मैंने सोच लिया है कि जैसे ही मिनाज बहन रूबा सेहत होती हैं, खैर से घर आती हैं, तो मैं रमशा और मिनाज बहन के लिए एक अलहदा मकान किराए पर उनके लिए ले लूँ। ताकि ये दोनों बेटी वहाँ आराम से रह सके। मैंने उस ट्रेड एजेंट से भी कह दिया है कि कोई जानने वाले इतबार के लोग हों तो वो मकान दिखाए हम। ठीक है भाईजान, जो हम फितरा ज़कात निकालते हैं वो फिर हम इन माँ बेटी को दे देंगे। वैसे भी बेवा औरत की किफालत ये भी तो नेकी ही है। और नेकी को जताना नेकी को जाया करने के मुतरादिफ है, रिया के जुमरे में आता है। हाँ रमशा बेटे, आप कोई बात करनी है बताओ। वो मैं कह रही थी कि आप परेशान ना हो हमारे लिए, अम्मी ठीक हो जाएंगे ना तो मैं अम्मी का और अपना बंदोबस्त कर लूंगी। आपने वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इससे ज्यादा और कुछ ना कीजिएगा। बेटा अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे, ताकत दे। वो करने वाला है, वो है ना मददगार सबका। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया बेटा। मैंने तो अपने लिए किया। इसी बहाने कोई टूटी फूटी नेकियां हमारे भी नामा अमाल में लिखी जाए, ताकि अल्लाह हमारी गलतियों और लफ्जिशों से भी दरगुजर फरमाए। जीती रहो तुम। अस्सलाम वालेकुम डैड। जी डैड ठीक है, मैं ले आता हूँ। जी जी आप बेफिक्र रहिए, मैं फौरन लेके आता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप प्लीज प्लीज ड्राइवर को कॉल करें ना, ड्राइवर को कॉल करें, पता करें कि ड्राइवर कब तक आएगा। मेरी अम्मी अफनान अफनान अफनान, आपको पता है मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि उनको सांस नहीं आ रहा। प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाए। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनको देखना है। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास।
कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को। तुम दुआ करो उनके लिए, हौसला करो। तुम्हें उनके पास जाना है? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि वो मेरा नाम ले रही है, उन्होंने मुझसे कुछ बात करनी है। अब मुझे प्लीज जल्दी ले जाए अफदान। तुम रोना बंद करो। अब आओ मेरे साथ। अब प्लीज चले। मामा ये सब क्या हो रहा है? रमशा परेशान है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अम्मी अम्मी आपको कुछ भी नहीं हुआ पता है? आप बिल्कुल ठीक है अम्मी। अम्मी उठे। अम्मी आप इस तरह मुझे छोड़ के अकेले नहीं जा सकती। अम्मी मैं किसके साथ रहूंगी? मेरा कोई सहारा नहीं। अम्मी आप ऐसे कैसे कर सकती अम्मी? अम्मी उठे, देखे मैं आ गई हूँ, अब आप ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ? अम्मी आप मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही है? मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, आपको पता है ना? उठे उठे अम्मी, प्लीज उठ जाओ। देखिए मैं आ गई हूँ, डॉक्टर अभी डॉक्टर आएगा ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अम्मी। आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी अपनी रक्षा को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मी। अम्मी उठे अम्मी। अम्मी प्लीज उठे। अम्मी अम्मी प्लीज उठ जाए, प्लीज मेरी बात सुने अम्मी। मुझे छोड़ के मत जाए इस तरह से अम्मी, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए अम्मी। अम्मी मैं किसके साथ रहूंगी? आपको आपको पता है ना, आपके अलावा कोई भी नहीं है। अब्बू जी भी चले गए, मैं किसके साथ रहूंगी? आप उठ क्यों नहीं रही अम्मी? अम्मी देखिए आंखें खोले, मुझे देखिए अम्मी। आप क्यों नहीं सुन रही है मेरी बात? आप उठ जाए अम्मी। वैसे हमारे घर के बच्चे भी ना बहुत ही नरम दिल हैं। किसी की आंखों में आंसू देखे नहीं कि हम दर्द बन गए। वो इसी हमदर्दी में ना अफनान अपने साथ उसको हॉस्पिटल ले गया है। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। मामा आपने देखा नहीं था रमशा किस तरह रिएक्ट कर रही थी?
जैसे अफनान की बहुत पुरानी जानने वाली हो। मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तुमने देखा नहीं है कि वो लड़की किस कदर बिलक बिलक के रो रही थी? जब तुम्हें और मुझे उस पर तरस आ सकता है तो अफनान को भी आ गया होगा। मामा, लेकिन मुझे तो हैरत इस बात की है कि रमशा को हमारे घर आए हुए दिन ही कितने हुए। लेकिन वो तो अफनान से ऐसे मिल रही है जैसे बहुत पुरानी रिश्तेदार हो, सदियों से जानती है उसे। अलीज़े, उसकी माँ की कंडीशन देखो किस कदर सीरियस है। इसी परेशानी में अफनान सामने आया, इसलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अफनान की कॉल आ रही है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अफनान? ओह, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो अफनान, जो भी कुछ हो मुझे फिर बताना। ओके। उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने तुमसे कहा था ना, इसी वजह से वो इतनी अफरा तफरी में अफनान के साथ हॉस्पिटल चली गई। मेहनास, ये वही रमशा है ना? देखते देखते कितनी जल्दी बड़ी हो गए। मुझे तो वो दिन याद है जब हॉस्पिटल में एक नर्स ने आके गुड़िया मेरे हाथ में दी थी कि सर ये बेटी हुई है आपके। अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र, तेरे हमारे घर में रहमत दी। अरे आप मुझसे पूछे, जिसने इसे एक एक दिन झेला है, बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई है आपकी बेटी। देख रहे, सुन रहे आप, झेल दिए ये रोजाना मुझे। अच्छा हुआ आज आपने खुद ही सुन लिया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, मजाक में बात कर। ये तो मुझे पता, अम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जानती हो मैं और तुम्हारे अब्बू महल्ले वालों को वजाहतें दे देकर झूठ बोल बोल कर थक चुके। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप और अब्बू जी जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो ही करूँगी। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे और एक मौका दे दे, प्लीज। अगर कोई एक बार किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाए ना, तो दोबारा उस पर यकीन नहीं किया जाता। क्या हुआ बेटा? रमशा क्यों डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? शानिया ने कुछ कहा है? हाँ नहीं अम्मी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। क्यों बेटा, क्यों डर लग रहा है? अब किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? मुझे खुद से बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। आपको नहीं पता मैंने अभी क्या देखा है। मैंने देखा कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा खौफनाक हूँ और बहुत बहुत बुरी हूँ, बहुत गंदी हूँ, और मैं अच्छी नहीं हूँ, अपने पे बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटा, देखो तुमने ना जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। हाँ देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, तुमने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी होगी ना, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है। और ये ख्वाब था? हाँ बेटा, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाब था? हाँ मेरी जान,
और मैं तुम्हारे पास हूँ ना बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत जाना मुझे छोड़ के, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे अकेले छोड़ नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ, कहीं नहीं जा सकती हूँ बेटा। अच्छा चुप कर, जब मुझे तंज करे, जब मुझे ताने मारे, जब मुझे बुरा भला कहे, अम्मी क्या लगता है आप लोगों को कि मेरी बारात वापस गई है, मैं सबके सामने तमाशा बनी हूँ, सबके सामने मेरी हैसियत, मेरी जिल्लत हुई है, क्या क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा? अच्छा। क्या मुझे हैसियत नहीं हो रही? मुझे बहुत दुख है, मेरे अब्बू जी चुप करके चले। अम्मी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा, सबकी बातें नहीं होने पड़ता। पहले जैसे हालात नहीं है, पहले तो तुम्हारे अब्बू जिंदा थे, लेकिन अब मैं अकेले कोई फैसला नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बंद गलियों में खड़े, और अगर मैं तूफान के डर से खिड़कियां बंद भी कर लूं तो भी हम लोग दम घुटने से मर जाएंगे। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, मैं कमजोर हो गई हूँ बेटा, बेवा हो गई हूँ, तुम्हारे किसी गलत फैसले का बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकती बेटा, नहीं ले सकती हूँ।